That's great. ओके okay, अभी हमने ये वन ऑफ द मेथड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब हम सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हैं उसके अलावा ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स और पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं? एक हमने बोला लीडर्स हैं, बट कौन से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स और हैं जब मैं एक सिक्योरिटी को सिलेक्ट करूँगा मुझे देखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म के लिए, सबसे पहले उसको ये, और ये मैं वॉरेन बफेट की बुक से ही सीखा हूँ और जो मुझे लगता है कि हर आदमी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये है कि अगर आपको ये लगता है कि इस कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी को स्किन इन द गेम है, मतलब वो खुद कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं, उसको चाहिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो, रिटर्न रेशियो अच्छे हो, आरओई आरओसी अबाउ 18-20% हो, डेट कम हो, जैसे नेट डेट टू एबिटा, फाइनेंशियल रेशियो की बात की, नेट डेट टू एबिटा इज अ इंपॉर्टेंट रेशियो, ओके, मैं ये देखता हूँ कि नेट डेट टू एबिटा शुड नॉट बी मोर देन 3 to 3.5x, और नेट डेट टू इक्विटी शुड नॉट बी मोर देन से 1.5 to 2x, तो बिकॉज अगर कंपनी में डेट है तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी डाउन साइकिल आएगी तो वो कंपनी खत्म हो सकती है, जो हम लोग ने आज की तारीख में एयरलाइन इंडस्ट्री में देख रहे हैं, पहले कई बार हमने कमोडिटी बिजनेस में काफी ऐसे देखे हैं। तो लेवरेज कम होना चाहिए, सबसे पहले तो कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, क्लीन कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस किया, आपने प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट बुक्स पर ही है और आपका सारा पैसा डेटर्स में है, इन्वेंट्रीज में है, स्टक हो गया है, तो आपको क्या है कि कैश फ्लो नहीं मिलेगा, कैश फ्लो नहीं मिलेगा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? तो फिर हर बार जब ग्रोथ करना है डेट लेना पड़ेगा, सो विच विल अल्टीमेटली किल शेयर होल्डर वैल्यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो एक तो प्रमोटर की क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन अगर आप देखेंगे हर साल कंपनी 15% 18% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करती है, तो दैट मीन्स वो अपना कैपिटल अच्छी तरह से एलोकेट कर रही है। तो कैपिटल एलोकेशन, प्रमोटर, स्किन इन द गेम, और लास्ट में आता है मार्केट लीडरशिप, आपका नए प्रोडक्ट लॉन्चेस का जो पाइपलाइन होता है, जैसे ऑटो में है, राइट, हाईली कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस जैसे कि आईटी है, जहां कैपेक्स ही नहीं होता है और खूब कैश फ्लो जनरेट होता है, वहां पे यू हैव टू सी कि भी रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, बिकॉज आईटी में जो लीडर्स है हमने, वो सारी कंपनी बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिटर्न रेशियो, कैश फ्लो कन्वर्जन, तो वहां पे आपको यह देखना है ग्रोथ कहां जाता है। एग्जैक्टली, बिकॉज उस कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कहीं पे भी इश्यू नहीं है। Exactly. And they are high, strictly follow corporate government. Yeah, yeah. और प्लस आज हमने देखा कि एक बड़ी आईटी कंपनी 10,000 crore का बाय बैक आया, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि उनको पैसे की जरूरत है ही नहीं, तो पैसा जब कैश फ्लो बनता है सीधा सीधा शेयर होल्डर को रिटर्न कर देते हैं, तो बेसिकली दे आर कैश जनरेटिंग मशीन्स एंड विच इज रिटर्न टू शेयर होल्डर्स फुल्ली, सो देर इज नथिंग लाइक इट। इफ यू बाय अ कंपनी विच इज शोइंग अ हायर ग्रोथ इन दैट सेक्टर, देन नथिंग लाइक इट।